नमस्ते दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके के पैकेट जो बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं उनके साथ मिला के किस तरीके से हम कोई और नई डिश तैयार कर सकते हैं। ये मैं एवोकाडो ले रही हूँ। इस डिश को थोड़ा हेल्दी भी बनाएंगे, थोड़ा इसमें कलर भी लाएंगे, तो कलरफुल सब्जियाँ मैंने इसमें ली हैं। यूज़ करने के लिए टमाटर को जहाँ से भी उसका छिलका मोटा है उसको छीलना और इसके अंदर का पल्प निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो भी डिश हम बनाएंगे उसको हम ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे। एवोकाडो इसमें डालने की वजह से ये डिश काफ़ी देर तक हम रख सकते हैं, क्योंकि एवोकाडो इस डिश को सॉगी नहीं होने देता है और क्रीमी टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका। ये देखिए, आप चाकू से ही आराम से इसको मैं पील करके निकाल रही हूँ, तो एकदम बटर की तरह ये आ रहा है। इस डिश के मसाले को वैसे तो फ्रेश ही तैयार करना है, लेकिन जो एवोकाडो है उसको हम एक दो दिन तक फ्रिज में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को पील किया था तो अब ये डिश सॉगी नहीं होगी, क्योंकि उसका जो भी वाटरी हिस्सा था वो हम निकाल चुके हैं। इसमें मिक्स करते हुए मैंने थोड़ा सा धनिया पुदीना भी काट के रखा है, जो कि इसके फ्लेवर को और बढ़ाएगा और फ्रेश फील कराएगा। घर में आमतौर पर भारत में ऐसी साबुत मिर्चें सबके पास होती हैं, तो उसके अंदर से मैंने सीड्स निकाल के फ्लेक्स सीड बना लिए हैं। अब स्वाद के लिए इनको इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। मसालों में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद अपने स्वाद अनुसार और सेहत अनुसार इसमें हम किसी भी तरीके का नमक डालकर इसको मिक्स करेंगे। ब्रेड में नमक ऑलरेडी है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। इस मिश्रण को बना के हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर हम पिकनिक पर जा रहे हैं तो वहाँ जाने के लिए वैसे तो हम इन सब चीज़ों को फ्रेश काट सकते हैं, अदरवाइज़ ये मिश्रण भी कुछ देर तक रह जाता है अगर इसमें नमक मिक्स नहीं करेंगे तो। और उसके अलावा इस तरीके की ब्रेड को हम ठंडा भी खाते हैं, तो ये डिश परफेक्ट होती है इस तरीके के मौक़ों के लिए। और अगर घर में कोई छोटी पार्टी है तो एज अ स्नैक्स भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप और भी ऐसी ही कुछ रेसिपीज़ देखेंगे जिनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम किसी भी समय किन्हीं भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ खा सकते हैं। अब इस ब्रेड पर मैं इस पेस्ट को लगाऊंगी और तुरंत ये डिश खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में, अब बनाते हैं इसके बाद हम दूसरी डिश।
वीडियो में दिखाई जाने वाली सारी रेसिपीज़ में मैं मैक्सिमम हेल्दी सामान यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे आप अपनी सेहत के अनुसार इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत बदल सकते हैं। इसके दूसरी डिश के लिए सबसे पहले मैं थोड़े से अखरोट और मूंगफली, जो मैंने माइक्रोवेव में ही रोस्ट कर ली है, उसको थोड़ा दरदरा पीस रही हूँ। मखाने हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसको सभी खा सकते हैं। उनको भी मैं माइक्रोवेव में थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। इस डिश को भी पहले से बनाकर ना रखें, अदरवाइज़ मखाने थोड़े से सौगी हो जाएंगे। कुछ लोग वैसे भी खाना पसंद करते हैं, तो इस डिश को बनाने के लिए भी आपकी अपनी पसंद है कि आपको जिस तरीके से भी इसको बनाना हो बना सकते हैं। दही मैंने इसमें एकदम प्लेन डाली है, इसलिए अपने स्वाद के अनुसार मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ। भारत में बहुत सारे इस तरीके के स्नैक्स में अनार और प्याज को डाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना रस नहीं छोड़ते हैं और उस डिश को क्रंची बना देते हैं, और टेस्ट भी अनार की वजह से थोड़ा मिठास और खट्टा वाला आ जाता है, और प्याज की वजह से हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है। पिसे हुए अखरोट और मूंगफली के दरदरे चूरे के बाद अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ बहुत थोड़े से वाइट तिल और थोड़ी सी किशमिश। आपकी पसंद है, आप इनमें कुछ चीज़ें घटाना बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब ये एक स्नैक्स और तैयार हो गया हमारा, और आप इसको भी कभी भी चाहें तो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। अब जो तीसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बनेगी साबुत मूंग की दाल को एक रात भिगोकर, अगले दिन उसको पूरा दिन हम पानी से निकाल कर रख देंगे तो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आएंगे, स्प्राउट्स मतलब अंकुर। और फिर इसको हम कुकर में थोड़ी सी हल्दी नमक के साथ दो सीटी आने तक उबालेंगे और खोलकर देखेंगे तो दाने इस तरीके से अधपके हो जाएंगे। अब प्याज और टमाटर, यहाँ पल्प नहीं निकालने की ज़रूरत है, इसके मिश्रण पे नमक काली मिर्च डालकर बीच में डाल देंगे उबले हुए स्प्राउट्स। कुकर को तभी खोलेंगे जब वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। स्वाद और बढ़ाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे और इस डिश को खा लेंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।